तो दोस्तों फ्राइडे की शाम को नजारा टेक्नोलॉजीज ने अपने रिजल्ट पेश किए। रिजल्ट अच्छे थे, उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अच्छे थे पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल उसने 7 करोड़ का घाटा किया था, जो कि अभी उसको 4 करोड़ के प्रॉफिट में उसने कन्वर्ट किया। और उसके बाद में देखो, उस 28 तारीख से ही इनफैक्ट शेयर के प्राइस में जो है काफ़ी गिरावट हो रही है। ऊपर ही स्तरों से लगभग 10% ये शेयर टूट चुका है दोस्तों। तो इसके पीछे की वजह क्या है वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल पर, जिसका नाम है फिनट्यूबर। फिनट्यूबर एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फर्दर डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम ये जानें कि इसके शेयर प्राइस में क्यों गिरावट हो रही है, हमें इसके बिजनेस मॉडल को जानना पड़ेगा। थोड़ा सा जो है हम इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो हम में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे, ये कंपनी जो है गेमिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। काफ़ी अलग अलग तरीके के गेम्स बनाती है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और ई स्पोर्ट्स वगैरह हर तरीके के गेम बनाती है। जैसे कि इसके जो मेन पोर्टफोलियो में जो गेम्स हैं, जैसे किडोपिया है, नॉर्डविन है, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 3 है, हम में से कई लोगों ने खेले भी होंगे इस तरीके के गेम, स्पोर्ट्स कीड़ा है और छोटा भीम स्पीड रेसिंग है। तो अलग अलग तरीके के दोस्तों ये कंपनी गेम वगैरह बनाती है, और गेम के साथ में इसने काफ़ी अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट भी किया हुआ है। इसकी सब्सिडरीज भी हैं, जैसे कि नॉर्डविन गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड है, स्पोर्ट्स कीड़ा और पेपर बोट एप्स प्राइवेट लिमिटेड है, होला प्ले है, होला प्ले की अभी जो है स्टेक इसने बेची है, उस बारे में भी चर्चा करेंगे। स्पोर्ट्स यूनिटी इसका जो है सब्सिडरी है, नेक्स्ट वेव मल्टीमीडिया है, क्राइमोजोन कोड है, और नज़ारा तो इसका प्राइवेट लिमिटेड जो है ये तो है ही है, दुबई में है, सिंगापुर में है और मॉरीशस में। नज़ारा की 3 अलग अलग जो है ब्रांचेस भी हैं, ये भी इसकी सब्सिडरी इसी कंपनी के अंदर में आती हैं दोस्तों। और अब अगर इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों, तो इसने अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट भी किया हुआ है। इनकी सब्सिडरीज के अलावा अलग अलग कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट भी किया हुआ है, जैसे हैश क्यूब कंपनी है, इसमें इस कंपनी का स्टेक है, मास्टरमाइंड स्पोर्ट्स है, इसमें इस कंपनी का स्टेक है, मून ग्लैब्स है, इन कंपनीज को इसने अपने इसने कुछ अमाउंट जो है इन कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों बात करें इस इंडस्ट्री की, तो इंडिया के अंदर में ये एक तरीके की नई इंडस्ट्री है। इंडिया के अंदर में काफ़ी कम प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से सबसे जो बड़ा प्लेयर है इंडिया के अंदर में नज़ारा टेक ही होएगा। और अगर इसकी ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो ग्रोथ की संभावनाएँ अपार हैं। एक तरीके से गेमिंग इंडस्ट्री नई है, तो आने वाले टाइम इसके जो यूज़र्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे दोस्तों। जिस तरीके से यूथ के अंदर में गेम का जो गेमिंग का जो बुखार चढ़ा हुआ है, वो आगे आने वाले टाइम में और बढ़ेगा दोस्तों, और इस इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगी। और अभी तो इसने जो है अपने ऐप्स को, अपने गेम्स वगैरह को उतना अपडेट नहीं किया हुआ, उतना अच्छा नहीं बना हुआ है। अगर ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस यूज़र को अच्छा दे देती है, तो मेरे ख्याल से ये जो है इंडिया की नहीं वर्ल्ड की भी मार्केट लीडर बनेगी। जिस हिसाब से इसने कम अलग अलग इसकी सब्सिडरीज हैं, अलग अलग जगह इसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एक जगह पर इसका पोर्टफोलियो नहीं है पूरा, अलग अलग जगह पर इसने डाइवर्सिफाइड अपने पोर्टफोलियो को किया हुआ है, तो फ्यूचर की संभावनाएं दोस्तों अपार हैं। तो दोस्तों बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल की, तो ये कंपनी का नाम नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1670 रुपये चल रहा है। मार्केट कैप की अगर बात करें तो 5088 करोड़ का मार्केट कैप है, 4901 करोड़ इसका एंटरप्राइज वैल्यू है। डेट वगैरह इसके पास में नहीं है दोस्तों, इसने डेट खत्म कर दिया है आईपीओ से पैसा उठा के। और नंबर ऑफ शेयर्स की इसकी 3.05 करोड़ इसके शेयर्स हैं। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो दोस्तों काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पे अभी ये मिल रही है। जैसा कि हमने बताया कि नई कंपनी है, नई लिस्टिंग है, तो नई लिस्टिंग की वजह से जो है प्राइस टू अर्निंग तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि फंड रेज किया हुआ उसने, जो भी उसके पास पैसा है फंड रेज किया हुआ पैसा है, अभी इसने अपनी बैलेंस शीट को जो है इम्प्रूव करना बहुत बाकी है। तो अगर ग्रोथ होगी तो एकदम कई डिजिट के अंदर में मल्टीप्लाई में ग्रोथ होगी कंपनी की, तो पी अपने आप ही कम हो जाएगा, तो उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइस टू बुक इसका 7.73 है, फेस वैल्यू इसका 4 है, बुक वैल्यू इसका 216 है, डिविडेंड यील्ड इसका 0%, अभी डिविडेंड तो देती नहीं है कंपनी। कैश इस कंपनी के पास में 186 करोड़ है, जो आईपीओ से पैसा उठाया था वही इसके पास में कैश बचा हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करें तो 20% खाली इसमें प्रमोटर की होल्डिंग है दोस्तों। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 3 रुपये अर्निंग पर शेयर है, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी माइनस में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी माइनस में है, सेल्स ग्रोथ में इसने जो है पॉजिटिव दिखाया है। वैल्यूएशन की बात करें तो 5 स्टार दिए हैं दोस्तों फिनोलॉजी ने। अभी वैल्यूएशन के मामले में कंपनी अच्छी है, बट
ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए वैल्यूएशन के मामले में अच्छी, अगर पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से वैल्यूएशन देखोगे तो काफ़ी महंगी है दोस्तों, जैसा कि पी के हिसाब से हमें दिख रहा है। और फिनस्टार ओवरऑल इसको दोस्तों 3 फिनस्टार मिले हुए हैं, ओनरशिप के लिए 3 स्टार है, फाइनेंशियल वीक है, एफिशिएंसी वीक है, तो ये 2 चीज़ों के लिए स्टार में इसमें कमी हुई है, बाकी इन 2 के लिए इसको जो है स्टार में इसको ग्रोथ मिली है। अब अगर इसके पीयर्स की बात करें दोस्तों, तो पीयर्स तो वैसे मार्केट में कोई है नहीं, इसके बहुत कम पीयर्स हैं, बट इसको सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ में जो है कंपेयर किया गया है इसके पीयर्स को, तो पीयर्स के मामले में भी ये जो है सबसे ज़्यादा इसका पी है, जो ये भी अभी पीयर से कंपैरिजन करना भी हमारा कोई तुक नहीं बनता इसका, हमें जो है अभी इसकी इंडिविजुअली खाली हमें देखना चाहिए ना। तो हम इसका देखते हैं, इसमें पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है सबसे ज़्यादा है दोस्तों, पब्लिक में इसके राकेश झुंझुनवाला जी भी शामिल है जिनके पोर्टफोलियो में ये शेयर एग्जिस्ट करता है। प्रमोटर की होल्डिंग 20.7% है, DIIs ने इसमें 8.12% इन्वेस्ट किया हुआ है, 6% इन्वेस्टमेंट इसमें FIIs का है दोस्तों। और अगर इसके इस साल के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो 123 करोड़ का इसने जो है सेल करी हुई है, और इस साल के प्रॉफिट की अगर बात करें तो 3.15 करोड़ इसने प्रॉफिट किया है दोस्तों। और बात करें इसकी पास्ट परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो ये जब प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, तब का ये रिकॉर्ड हम आपको बता रहे हैं। 211 करोड़ जो है इसने मार्च 2016 में सेल किया था, उसके बाद 190 करोड़, फिर 170 करोड़, फिर 169 करोड़, फिर 247 करोड़, तो यानी कि ये अभी फाइनेंशियल इसके स्टेबल नहीं थे, क्योंकि फंड की भी दिक्कत आ रही थी दोस्तों। पब्लिक में अगर कंपनी आती है फंड रेस करने के लिए आती है, अगर पब्लिक मैं आने से पहले का अगर उसका फाइनेंशियल देखा जाए तो हमेशा ज़्यादातर 99% ये होता है कि बैलेंस शीट में प्रॉब्लम है, सेल्स ग्रोथ में प्रॉब्लम है, प्रॉफिट में, क्योंकि कंपनी ग्रो नहीं कर पाती फंड ना होने की वजह से। तो अगर इसमें फाइनेंशियल हमें स्टेबल नहीं दिख रहे हैं तो इसमें ये नहीं मान लेना है कि कंपनी जो है पिछला रिकॉर्ड खराब है। इसका जो रिकॉर्ड बनेगा पब्लिक में आने के बाद में 5 साल जब ये कंटिन्यू, 5 साल नहीं कम से कम 3 साल भी अगर ये दे दे या 1 साल भी दे दे, उसका मंथली हम एवरेज देख के हम पता लगा लेंगे कि किस तरीके का इसका अभी ग्रोथ हो रहा है। अभी फंड भी है कंपनी के पास और सब कुछ है, तो अब क्या है, तो उसके बाद में एग्जैक्ट कंपनी की सच्चाई जो है वो सामने आती है। और अगर बात करें दोस्तों इसके प्रॉफिट की, तो कंटिन्यू प्रॉफिट में ही रही है लास्ट में भी है, बट क्या था कि फंड नहीं था तो इस वजह से अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पा रही थी कंपनी, तो अब जो है इसके पास में फंड आ गया है, तो अब देखो आगे क्या होता है। तो अगर दोस्तों इसको और पैरामीटर्स पे देख लिया जाए तो इंट्रिंजिक वैल्यू का के लिए जो है इनसफिशियंट डेटा है, रिटर्न वर्सेस एफडी रेट जो है एफडी रेट से अच्छे रिटर्न्स इसने दिए हुए इन्वेस्टर्स को, हालांकि कम टाइम की लिस्टेड कंपनी है तो इसको हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो डिविडेंड रिटर्न इसने दिए नहीं है, क्योंकि देती नहीं है नई कंपनी अभी। एंट्री पॉइंट ठीक है, रेड फ्लैग वगैरह कुछ नहीं है कंपनी के अंदर में। अब दोस्तों इसके रीज़न पर आते हैं कि किस वजह से इस शेयर का प्राइस जो है गिर रहा होगा। इसमें 3 रीज़न है दोस्तों, 1 नहीं 2 नहीं 3 रीज़न है। तो पहला रीज़न ये है कि कंपनी ने जो है, आपने देखा वैल्यूएशन वगैरह काफ़ी महंगा है कंपनी का, है ना। और दूसरा रीज़न ये है दोस्तों कि पब्लिक ने जो इससे एक्सपेक्टेशन करी थी कि क्वार्टरली रिजल्ट को लेके कि इसका जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से इसने रिजल्ट नहीं दिए हुए। हालांकि जो है पिछले साल मार्च क्वार्टर में इसको 7.5 करोड़ का घाटा था, उसके मुकाबले कंपनी ने 3 करोड़ का प्रॉफिट किया हुआ है, लेकिन पब्लिक चाह रही थी कि ज़्यादा प्रॉफिट हो, शायद इस वजह से भी जो है इस कंपनी के शेयर के प्राइस में गिरावट हो गई है, पब्लिक ने बेचना चालू कर दिया। लेकिन जो एस इन्वेस्टर हैं दोस्तों वो तो अभी भी होल्डिंग बना के बैठे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न है जो आगे इस कंपनी में ग्रोथ मिलेगी, तो कह नहीं सकते कोई, मतलब ये डिसीजन गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है कि क्या डिसीजन है, ये कह नहीं सकते कि क्यों पब्लिक इसको बेच रही है। और तीसरा और मेन रीज़न जो है दोस्तों ये है, तो दोस्तों तीसरा रीज़न ये है, ये नज़ारा टेक्नोलॉजीज कंपनी जो है इसकी जो सब्सिडरी है हाला टेक्नोलॉजीज, हाला प्ले टेक्नोलॉजीज, जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी अभी थोड़ी देर पहले, उस कंपनी की जो स्टेक है 64% ये कंपनी ऑन करती है, उसको 17 करोड़ रुपए में ये कंपनी बेच रही है। अब इस पैसे का ये कंपनी क्या करेगी कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्या ये इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे करेगी उसका, और इसका स्टेक क्यों बेच रही है, हालांकि ये देखा गया कि हाला प्ले टेक्नोलॉजी प्रॉफिट बना रही थी, तो प्रॉफिट बनाते हुए इस कंपनी ने अगर इसका स्टेक बेचा हुआ है तो क्यों बेचा हुआ है, उसका शायद नेगेटिव सेंटीमेंट जो है इस कंपनी पे पड़ा हुआ है। और ये भी देखने वाली बात होगी दोस्तों कि इस पैसे को कंपनी कहाँ पर यूज़ करती है, क्या इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के तौर पर वो कंपनी पे करेगी, या फिर कंपनी के ग्रोथ में, कंपनी के ग्रोथ के लिए जो है उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी। अगर प्रॉफिट में, प्रॉफिट होते हुए कंपनी ने उस सब्सिडरी के जो स्टेक है वो सेल करी है, तो उसका तो रीज़न यही होगा कि कंपनी जो है कहीं और इन्वेस्ट कर रही है बिजनेस में, डिविडेंड देने के लिए वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को अगर सेल कर रही है तो वो तो फिर कोई उसका लॉजिक नहीं बनता दोस्तों। तो ये 3 रीज़न थे दोस्तों जिसकी वजह से कंपनी
के शेयर प्राइस में गिरावट आ रही है। और अगर बात करें दोस्तों लेने की, तो मौका अच्छा है दोस्तों इस गिरावट का फायदा उठाएं। यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फंडामेंटल सुधर रहे हैं अभी कंपनी के। और अगर आपको ज्यादा ही मतलब इसको देखना है तो एक क्वार्टर और देख लो, अगले क्वार्टर में देखो किस तरीके का परफॉर्म करती है कंपनी। अभी के लिए इसको मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए हमारे पास में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है, उन पे इन्वेस्ट कर लेंगे। इस पे थोड़ा सा अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि नई कंपनी है दोस्तों, इसके एक आध दो चार क्वार्टर का जब तक का पता नहीं लग जाता है। अभी पहले क्वार्टर में इसने रिजल्ट ऑफकोर्स काफ़ी अच्छे दिए हैं, अच्छे रिजल्ट हैं, घाटे के मुकाबले प्रॉफिट में आई है और साल दर साल भी इसने प्रॉफिट किया हुआ नो डाउट। लेकिन हम जो है इसको अभी भी अगर चाहें तो एक क्वार्टर के लिए ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम अगर फिर भी चाहते हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम देख रहे हैं, तीन चार साल के लिए अगर हमको करना है, तो अभी अच्छा लेवल है, अभी परफेक्ट लेवल है इसमें बाइंग करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें अभी थोड़ा थोड़ा करके हम बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर पास में पड़ा हुआ है तो आप चाहें तो आप एवरेज कर सकते हैं कुछ, अगर आपके पास में और एक्स्ट्रा शेयर जोड़ने हैं तो नीचे आया हुआ है तो खरीद सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आपको? वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है उसके लिए। और दोस्तों ये डिटेल्ड एनालिसिस की प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें हमने 10 से 15 घंटे मेहनत करके दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, सारे एनालिसिस करके डाले हुए हैं दोस्तों। तो इसमें आपको जो 10 से 15 घंटे का आपका टाइम लगता है फंडामेंटल रिसर्च करने में कंपनी के बारे में, वो आपका टाइम बचेगा और वो वैल्यू आपको 10 से 15 मिनट में मिल जाएगी दोस्तों। ऑलमोस्ट 99% जो है चीज़ें हमने हाईलाइट करके इसमें डाली हुई है, आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इनकेस कुछ अगर आपको मिसिंग भी लगता है तो आप ऑफकोर्स कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा दोस्तों। और दूसरी चीज़ इसमें आपका जो है दोस्तों, आप अपने फ्री टाइम को भी यूज़ कर सकते थे, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ में बात कर रहे हैं, अकेले हैं, फ्री हैं और बोर फील कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप गेम खेलने का आपका मन करता है और दूसरी चीज़ें हैं, तो उस टाइम को भी आप अपनी नॉलेज गेन करने में यूटिलाइज कर सकते हैं दोस्तों। और क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टाइम की वैल्यू को समझिए, और अगर नॉलेज आपको कम टाइम के अंदर में मिल जाए तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।